खबरों की बदलती दुनिया के साथ मैं शिवम हाजिर हूं। नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत यूपी के गोरखपुर से, जहां कोरोना के चलते अब रेलवे स्टेशन में आने वाले यात्रियों का बैग भी सैनिटाइज किया जाएगा। सैनिटाइज करने के लिए एक यात्री से 10 रुपए लिए जाएंगे। वहीं रेलवे ने यह भी साफ किया है कि यात्री बैग या अपने लगेज को सैनिटाइज करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। वहीं सैनिटाइजेशन के साथ बैग की पैकिंग की सुविधा भी होगी। बैग पैकिंग के लिए यात्रियों से 40 रुपए लिए जाएंगे। और आपको बताते चलें कि लखनऊ और गोरखपुर रेलवे जंक्शन पर बैग सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की अभी शुरुआत फिलहाल कर दी गई है। रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर सदैव संवेदनशील है और इस दिशा में लगातार नए नए प्रयोग करते रहती है। अभी एक नए इनिशिएटिव के तौर पर कुछ लोग एक प्रोजेक्ट कह लीजिए लेकर आए, जिसके अंतर्गत ये था कि वो एक सैनिटाइजेशन मशीन लगाएंगे जिससे यात्रियों का लगेज सैनिटाइज किया जा सके, रैपिंग कर सकेंगे जो लगेज लेकर आते हैं, उसके लिए एक मिनिमम चार्जेस भी उन्होंने रखा हुआ है, जिसके अंतर्गत अगर आप सैनिटाइजेशन कराते हैं 25 kg से कम वेट का लगेज है आपका तो उसके लिए 10 रुपये का चार्ज है, और अगर 25 kg से ज़्यादा का लगेज है तो उसके लिए 20 रुपये का चार्ज रखा गया है। वहीं अगली खबर है देवरिया से, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय शाकिर अली की पहली पुण्यतिथि में शामिल होने देवरिया पहुंचे थे। इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने पत्रकार वार्ता में कहा कि बीजेपी सरकार आम जन की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। वो बोले कि हम समाजवादी लोग इससे डरने वाले नहीं है। तानाशाहों की तरह सरकार विपक्ष से मित्रवत व्यवहार न करके दुश्मन की तरह व्यवहार कर रही है, जनता बेहाल है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ बोले पत्रकार वार्ता के दौरान माता प्रसाद पांडे। विपक्ष मौन नहीं है, देखो ये सरकार लोकतंत्र में दो विधान है। लोकतंत्र में होता है कि सत्ताधारी पार्टी अपने विपक्ष को अपने मित्र की तरह व्यवहार करती है और ये सरकार अपने विरोधियों को शत्रु की तरह व्यवहार कर रही है। इसीलिए शत्रु के शत्रु व्यवहार के नाते ये किसी के लिए कुछ कारण नहीं है। वही अगली खबर है हमीरपुर के मझगवां थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोहनी का, जहां पति पत्नी के रिश्ते को तार तार करते हुए पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पति पत्नी के बीच हुए विवाद में पत्नी की मौत हो जाने के बाद पति ने पहले पत्नी को आग जलाकर जला दिया। जलाने पर भी जब महिला पूरी तरह से नहीं जली तो पति अपनी पत्नी को घसीटते हुए ऊंचाई पर खड़े होकर नीचे कगार पर फेंक दिया और थाने में जाकर स्वयं पत्नी के गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। वहीं मृतका के परिवार के सदस्य पिछले 3 दिन से लापता मृतका को ढूंढ रहे थे, तभी तलाश के दौरान नीचे कगार पर जाकर देखा गया तो महिला के पैर और बाल बरामद किए गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस बाकी शरीर का हिस्सा ढूंढने में लगी है, जबकि आरोपी पति को पकड़कर थाने में पूछताछ के दौरान उसका जुल्म कबूल करवा लिया गया है और फिलहाल पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है। ग्राम गोहानी थाना मझगवां की एक घटना सामने आई है। इसमें 21 फरवरी को एक गुमशुदगी लिखाई गई थी शकुंतला के गायब होने के संबंध में, उसके पति रामस्वरूप द्वारा। उनकी शादी 15 वर्ष पूर्व हुई थी। इस संबंध में तलाश की जा रही थी, उसके साले भी तलाश कर रहे थे। वो गाँव के बाहर खेतों में इसकी जले हुए अवशेष मिले, बाल और पैर, और इस संबंध में जब उससे पूछताछ हुई तो बताया उसने कि उसकी पत्नी ने और उसके साले ने उसके साथ 18 तारीख को विवाद किया था, मारपीट किया था। उसके बाद साला और साली चले गए थे अपने घर। उसके बाद ही उनके पति पत्नी में कुछ विवाद हुआ, पत्नी की डेथ हो गई तो उसने ले जाकर लाश को जला दिया खेत में। वही अगली खबर है अलीगढ़ से, जहां आप नेता संजय सिंह 28 अप्रैल को मेरठ में होने वाली किसान महापंचायत की तैयारियों को लेकर अलीगढ़ पहुंचे थे। मेरठ में होने वाली महापंचायत को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी संबोधित करेंगे। वही अलीगढ़ पहुंचे आप नेता संजय सिंह अपने चिरपरिचित अंदाज में भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लगातार हमलावर रहे। संजय सिंह बोले कि हिंदुस्तान में कपूतों की सरकार चल रही है। बोले जो संपत्ति को बढ़ाते हैं वो सपूत कहलाते हैं और जो पूर्वजों की संपत्ति को बेचते हैं वो कपूत होते हैं। हिंदुस्तान में कपूत सरकार है जो कि देश की संपत्तियों को 130 करोड़ हिंदुस्तानी के परिश्रम से बनाए गए रेलवे, खेल को, सेल को, एयरपोर्ट को, बिजली और पानी को और साथ ही साथ LIC और बैंक को बेचने का फरमान लेकर अपने बजट में आई है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ बोले आप नेता संजय सिंह। जो लोग
अपने बाप दादा परिवार की संपत्ति को बढ़ाते हैं वो सपूत कहलाते हैं, और जो अपने पूर्वजों की संपत्ति को बेचते हैं वो कपूत कहलाते हैं। तो हिंदुस्तान में कपूत सरकार चल रही है, जो देश की संपत्तियों को, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के परिश्रम से बनाए गए रेल को, खेल को, सेल को, कोल को, एयरपोर्ट को, पोर्ट को, सड़क को, बिजली को, पानी को, LIC को, बैंक को बेचने का फरमान लेकर अपने बजट में आई है। वही अगली खबर है सीएम सिटी से, जहां सिंचाई विभाग के 218 चतुर्थ श्रेणी के बर्खास्त कर्मचारी अपनी बहाली को लेकर अधिशासी अभियंता के सिंचाई विभाग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वही न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद भी विभाग सिर्फ कागजी काम पूरे कर रहा है, पर दैनिक वेतनभोगी बर्खास्त कर्मचारी जो कि पिछले कई दशकों से अपनी नौकरी बहाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर ध्यान नहीं दे रही। 1990 में विभाग में काम न होने का हवाला देते हुए इन सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसे माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद 58 बर्खास्त कर्मचारियों को तो बहाल कर दिया गया, पर अभी भी सैकड़ों कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं। आपको बताते चले, इस संघर्ष के दौरान लगभग 6 कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है, फिर भी अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। कर्मचारियों का जो अवैध रूप से निकाले गए थे और इनको कोर्ट ने रखने का आदेश दिया है, इस कोर्ट के रखने के आदेश का पालन आज तक ये नहीं कर रहे हैं। विगत 12 साल हो गए, ये तब से घुमा रहे हैं, उसमें करते चल रहे हैं। अभी इन्होंने एक आदेश बहुत पहले 2005 में किया था, जिसमें 58 लोग हुए, 267 में से 58 हो गए, 218 बचे हुए हैं। उन 218 जो बचे उनमें से 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनके बच्चे सड़क पर हैं, उनकी हालत ख़राब हो गई है। उसमें एक परमानंद शुक्ला करके थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने, वो चूँकि वो मर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनके परिवार को 10 लाख रुपए का रिवार्ड घोषित किया और इसी ड्रेनेज खंड ने दिया। हमारा कहना केवल इतना है कि जब ये कर्मचारी उसी कैटेगरी के अंतर्गत हैं और सेम डेट में निकाले गए, तो इनको क्यों नहीं रखा जा रहा, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनमत न्यूज़। नमस्कार।